आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। धार्मिक जुलूस पे अब भड़काऊ गाने और कानफाड़ डीजे नहीं बजेंगे। इसके लिए डीजे संचालकों को पुलिस विभाग ने निर्देश दिए हैं। पुलिस प्रशासन ने कहा कि यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक को लेकर एसपी अनिल सोनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि आज आगामी त्योहारों को लेकर डीजे संचालकों की बैठक ली गई थी, जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय के दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र को लेकर बनाए गए नियम का पालन करने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि डीजे संचालकों को सख्त लहजे में यह हिदायत दी गई है कि वह सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक ही डीजे का उपयोग करें। इसके बाद अगर डीजे बजाते हुए पाए गए तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही साउंड सिस्टम को बजाया जाए। एएसपी ने बताया कि 2 से ज्यादा साउंड सिस्टम डीजे संचालकों द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता। बैठक के दौरान एएसपी अनिल सोनकर, सीएसपी ऋतु उपाध्याय, शिवाली चतुर्वेदी सहित समस्त थाना प्रभारी और डीजे संचालक उपस्थित रहे। आज जो है डीजे लोग जो बजाते हैं इनके संचालकों को बुलाया गया था और उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के जो गाइडलाइन है ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए और जो ध्वनि विस्तारक अधिनियम है उसमें जो मापदंड दिए गए हैं उसके बारे में उनको समझाइश दी गई है और उनको बताया गया है कि इस मापदंड के अनुरूप ही वो बजाएं और जो समय सीमा दी गई है सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक इसके बीच में ही अपना जो है ध्वनि विस्तारक यंत्र का संचालन करें। शेष अवधि में जो है जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, यही चीज़ उनको समझाई गई है और इस चीज़ का अंडरटेकिंग लिया गया है। गणेश चतुर्दशी और पर जो गणेश विसर्जन होगा उसमें जुलूस जो सकल में लोग निकलते हैं, ईद मिलादुन्नबी के त्यौहार में जो जुलूस निकलता है उन सब के लिए ये उनको समझाइश दी गई है कि वो इन गाइडलाइनों का और इन अधिनियम के जो मापदंड हैं उनका पालन सुनिश्चित करें।